अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाइट कप्स आपके सामने कैपिन थेरेपी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम हैं डॉक्टर नवेद हिजामा क्लिनिक के अंदर। जैसा कि आप ये कार्ड देख रहे होंगे, तो मैं आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ हिजामा के बारे में, जो कि सब जानते हैं, सुन्नत नबवी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आइए मिलते हैं मिस जैनब, जो हिजामा थेरेपिस्ट हैं और यहाँ पर काफ़ी साल पुरानी है और काम करती है। मेरा भी इनसे काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने सोचा आज मैं मिलकर आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि जो बात आपको पसंद होती है और जो सुन्नत रसूल होती है, अगर आप आगे फैलाएंगे तो इसका आपको भी बहुत सवाब मिलता है, लोगों को बहुत अवेयरनेस हासिल होती है। तो आइए मिलते हैं मिस जैनब से। अस्सलाम वालेकुम मिस जैनब, कैसी हैं आप? ओके मिस जैनब, तो आप सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हिजामे के क्या फ़वाद हैं? हिजामे के बहुत फ़वाद हैं, क्योंकि अल्लाह के बताए हुए तरीके पे हम लोग, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पे हम लोग ये इलाज करते हैं। और ये सुन्नत हिजामा है कि इससे जो है ना, हमारी बहुत सारी आने वाली बीमारी और मौजूदा बीमारियों से हम खुश हो जाते हैं। मिस जैनब, मुझे ये बताइए कि आप फर्स्ट टाइम जो है वो कौन से पॉइंट्स लगते हैं और सुन्नत पॉइंट्स जो है वो कितने लगा सकते हैं फर्स्ट टाइम में? हम फर्स्ट टाइम में सुन्नत पॉइंट्स तो ये हम पेशेंट्स को देखते हैं वो कितना स्ट्रेंथ रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टार्टिंग जो हमारे हिजामा होता है वो ये है कि सुन्नत पॉइंट्स ही स्टार्ट करते हैं और सुन्नत पॉइंट हमारे 11 हैं। ओके मिस जैनब, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि हिजामा से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आपको कोई और बीमारी हो जाती है, और उनका डर होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, देखें आप यहाँ पर जो हैं छोटे छोटे, ये जो इनका ब्लेड है इससे हम जो है छोटे छोटे कर्ज लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि ये कर्ज हैं, बहुत इनसे डर लगता है, उसका खून ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मिस जैनब, कि आप जो है जो इसमें जितना भी जो खून वेस्ट होता है उससे जिस्म में कोई इन्फेक्शन तो नहीं होता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं इसी नवीद हिजामा क्लिनिक से मैंने ट्रेनिंग ली है, तो हमारे जो फर्स्ट स्टेप जो हमें जो ट्रेनिंग के हवाले से जो क्लास दी गई है कि इसमें हमें सफाई का खास ख्याल रखना पड़ता है। जी, ये तो मुझे पता है कि आप बहुत हाइजेनिक हैं और पेशेंट्स को जो है ना, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो डिस्पोजेबल। अच्छा मिस जैनब, मुझे ये बताएं कि एक जो इंसान नॉर्मल है और एक इंसान जिसको बीमारी है, तो आप इन लोगों का कैसे इलाज कराते हैं? एक इंसान आपकी बीमारी लेकर आते हैं तो कितने ड्यूरेशन टाइम में आप जो है वो हिजामा कर सकते हैं फर्स्ट टाइम के बाद? फर्स्ट टाइम के बाद जो ना, हम एक हफ्ते के गैप से पेशेंट्स को बुलाते हैं। हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर नवीद, फिर उनके पास हमारे जो भी पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले उनके पास जाकर अपने तमाम प्रॉब्लम्स बताते हैं, उनकी हिस्ट्री, हमारे जो तरीकाकार है पेशेंट की पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, तो इस हिस्ट्री के मुताबिक हम उनको वीकली जो है ना ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि फर्स्ट जो उनकी सीटिंग होती है 5 से 6 कप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है मिस जैनब, मुझे आप ये बता दें कि जो सुन्नत डेट्स होती हैं वो मुझे आप प्लीज़ बता दें, हर महीने की कौन कौन सी होती हैं? चांद की 17, 19, 21 मसनून डेट हैं, इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन दिनों में हिजामा क्या करो, इसमें जो है ना शिफा ही शिफा है। ठीक है मिस जैनब, मुझे आप थोड़ा सा, मैं आपका ये नज़र आ रहा है मुझे बैकग्राउंड पे कंप्लीट, ये आपका एक कार्ड है और इस पर आपके सारे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो मुझे आप ये बिल्कुल बता सकती हैं कि इसका सबसे बेस्ट सुन्नत पॉइंट कौन सा है जो फर्स्ट टाइम आप लोग यूज़ करते हैं? हमारे सबसे बेस्ट सुन्नत पॉइंट तो सभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये 155 जो है ना, ये सुन्नत पॉइंट्स में से हैं, और ये 55 जो है इसमें 78 बीमारी का इलाज है। इसी तरह अल्लाह के रसूल का जब अमलियात हुआ था, जैसे जफर जादू के जो असरात हुए थे, तो टॉप का उन्होंने करवाया था 32। जो हमारे जो हजामा होते हैं वो पॉइंट्स के मुताबिक ही होते हैं, पॉइंट्स कर लेते हैं। और इसी तरह अगर जैसे फूड पॉइजन हो जाते हैं या कोई भी इन्फेक्शन गले के, जैसे अल्लाह के रसूल के जैसे जहर दिया गया था, तो उसके लिए हमने 44 और 43 ये पॉइंट्स लगाते हैं। ठीक है, ओके मिस जैनब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, होप आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके गाइस, मैं आपको यहाँ पर, यहाँ डॉक्टर नवेद से आपका कार्ड दिखा देती हूँ, मैं आपको लिंक्स सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप जो है, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने कप्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनके जो है डिफरेंस जो है वो न्यूमेरिक के नाम से यूज़ किया जाता है। देखिए सबसे छोटा कप है ये, नंबर 1 से यूज़ किया जाता है, ठीक है, आई साइड पे या फेस पे या नेक पे, जिससे जैसे बच्चे की हो या किसी के नेक छोटे, उसमें यूज़ होते हैं, नंबर 1 कप है। ओके मिस जैनब, और ये नंबर 2, नंबर 3, और ये नंबर 4, ये नंबर 5, ठीक है। तो आप डिफरेंस जो है वो आप कप्स यूज़ करती हैं कपिन थेरेपी के लिए, कि जिस चीज़ की जिस बीमारी हो, जिस इलाज हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है? जी ठीक है, बिल्कुल। तो गाइस, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मिल गई होगी और इसके लिए बेहतरीन जी मिस, हमारी जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि लोग कहते हैं ना इन्फेक्शन की वजह से, तो हमारी ये तमाम चीज़ें जो है ना डिस्पोजेबल होते हैं, और हम सबसे पहले पायोडीन से बॉडी को साफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड का कट लगता है, उसके बाद हम इसमें सुन्नत के ही मुताबिक इलाज होता है हमारा, वो ये होता है इसमें शहद और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है।
जिसकी वजह से शहद तो एंटीसेप्टिक है, इसकी वजह से कभी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है कि हम लोग जो है ना किसी ने कहा कि इन्फेक्शन हुआ है या कोई तकलीफ हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह को वैक्यूम कर दिया जाता है जिसकी वजह से कट फील नहीं होता है। ओके मिस जैन, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ओके गाइज, के होप आपको अच्छी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ गई होगी, तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, हजामे क्लिनिक आएँ और जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। किसी भी चीज़ का कोई भी आपको बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप कम्प्लीटली इसकी कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो सवाल से आप मुझे गाइड कर सकते हैं और मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।